अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हल्का बरवाला के समाज सेवी और हल्का बरवाला से भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ने की मंशा को लेकर जोगीराम सिहाग ने आज अपने कार्यकर्ताओं के साथ बरवाला के मेन रोड स्थित दुकानों और घरों में जाकर अपना डोर टू डोर प्रचार किया। अपने प्रचार के तहत वार्ड नंबर 17 के निवासी जुम्मा खान के आवास पर जलपान के दौरान हमसे बातचीत करते हुए जोगीराम सिहाग ने बताया कि भाजपा टिकट पर ही मैं चुनाव लड़ूंगा। बरवाला का समुचित विकास भी करवाना उनका प्रमुख उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि बरवाला में विकास कार्य अधूरे पड़े हैं और मूलभूत सुविधाओं से भी अगर मुझे मौका मिलता है तो एक भी समस्या नहीं रहने दूंगा और यहाँ के निवासियों को पुराना बस स्टैंड से मोती लोहार वाली गली की मांग का भी समर्थन करते हैं। जोगीराम ने बताया उनका जनसंपर्क अभियान पूरे बरवाला हल्के में चल रहा है। आज इस अवसर पर उन्हें छोटू राम सिंगला, सुरेश अठवाल, रामचंद्र राजीवाल, रतन लाल भोरिया, भीम सिंह सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। बात करते हैं बरवाला हल्के के समाज सेवी श्री जोगीराम सिहाग जी से। जोगीराम जी नमस्कार। नमस्कार जोगीराम जी, आज बरवाला शहर में आप अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ में डोर टू डोर अभियान चलाए हुए हैं, इसका उद्देश्य बताएं जरा आप हमें। आने वाला चुनाव इसका उद्देश्य है, जो विधानसभा का चुनाव होगा उसकी तैयारी के लिए डोर टू डोर कार्यक्रम चल रहा है। तो ये कब तक चलेगा आपका कार्यक्रम? जब तक ये चुनाव नहीं होता तब तक चलेगा। तो इस चुनाव के मद्देनजर आपने ये चुनाव अभी ये कार्यक्रम शुरू किया है या इससे पहले भी आपने कर रखा था? दो साल से यही कार्य शुरू हुआ मेरा। पूरे हल्के में हो चुका है? हाँ, पूरे हल्के में चल रहा है, पूरा चल रहा है। तो इस आपके बारे में चर्चाएं काफी हैं, तो आप ही स्थिति स्पष्ट करेंगे, आप कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी से। ये निश्चित है? हाँ, ये निश्चित है। जबकि चर्चाएं तो आपकी ये है कि आप शायद आजाद भी चुनाव लड़ेंगे, इस बारे में क्या कहोगे? इस बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। वर्करों में भी चुनाव लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी में है, पार्टी से लड़ेंगे, पार्टी की टिकट मिलेगी उस पर चुनाव लड़ेंगे। आपको भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिल जाती है और आप चुनाव लड़ते हैं और आप चुनाव जीत भी जाते हैं, तो आपका पहला उद्देश्य जो इस बरवाड़ा हल्के के लिए है वो क्या रहेगा? विकास। किस तरह के विकास को प्राथमिकता देंगे आप? हर जगह के अलग अलग है। जिस तरह से बरवाड़ा शहर का सबसे जो मोटी समस्या है सीवरेज की है, जो सीवरेज सिस्टम सही तरीके से नहीं डला हुआ, उसको दुरुस्त करना और उसका साइज बढ़ाकर ही वो दुरुस्त हो सकता है। उसका साइज बढ़वाने का पहला कार्य होगा। आप बरवाड़ा शहर में घूम भी रहे हैं और बरवाड़ा के नागरिक आपको समस्याएं भी बता रहे होंगे, यहाँ अनेकों समस्याएं हैं, भाजपा का राज होते हुए भी यहाँ समस्याएं मुंह बाई खड़ी हैं। ये सही है, समस्याएं हैं हर प्रकार की, लेकिन जितनी बन सकती है उसकी कोशिश कर रहे हैं हल करवाने की। सभी की सभी समस्याएं जब तक आपके पास पावर ना हो आप करवा नहीं पाएंगे। पावर की बात आती है तो जोगीराम जी, अब काफी पावर वाले व्यक्ति भी बरवाड़ा में हैं सत्ता पक्ष में, और फिर भी वो अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहे या फिर उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, ऐसा तो उन्होंने पता किस तरह प्रयोग कर रहे हैं। अगर आपको पावर मिलती तो आप किस तरह उपयोग करोगे? सारा का सारा पैसा जो है तो वहाँ के जिस इलाके में जरूरत है वहाँ लगा जाएगा, और 100% रुपए में से 1 रुपया वहाँ लगे, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। एक जोगीराम जी, बरवाड़ा के नागरिक पिछले 9 दिन से एसडीएम कार्यालय के सामने धरना दिए हुए हैं। पुश्तैनी गली है हमारी, पुराने बस स्टैंड से मंडी को जाने वाली, और अभी तक कोई भी सत्ता पक्ष का आदमी वहां नहीं आया और लोगों की पुरजोर मांगे, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं हमें। मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूं और मैं उसके अंदर समर्थन देने गया था, वो गली खुलनी चाहिए, मैं आज भी पुरजोर ये कहता हूं, वो पूरे बरवाड़ा की ही नहीं ग्रामीण क्षेत्र की भी ये मांग है। धन्यवाद। कैमरामैन रोहित सोनी के साथ कुलदीप सोनी, बरवाला की रिपोर्ट, हर न्यूज, हरियाणा।